शहर के जमालपुर अर्बन पीएचसी पर कोवैक्सीन से भरी सिरिंज कचरे में फेंकने के मामले में डीएम ने आरोपी एएनएम हिना खान को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ ही उनकी सेवा समाप्ति के आदेश स्वास्थ्य विभाग को दिए हैं। इसके साथ ही डीएम ने आदेश दिया है कि जांच रिपोर्ट में जिन जिन लोगों की लापरवाही पाई जाए उनके आधार पर मुकदमा भी दर्ज कराया जाए। डीएम ने कहा है कि गंभीर श्रेणी का अपराध सहन नहीं किया जाएगा। बता दें कि जमालपुर अर्बन पीएचसी पर वैक्सीन की ऐसी 29 सिरिंज निरीक्षण के दौरान वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजर ने बरामद की थी। इनको कचरे में फेंक दिया गया था। सीएमओ ने जिला प्रतिरक्षण अधिकारी व एसीएमओ डॉक्टर दुर्गेश कुमार और डॉक्टर एम के माथुर को जांच सौंपते हुए रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद दोषी एएनएम पर मुकदमा दर्ज होगा। स्वास्थ्य विभाग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्र जमालपुर स्थित अर्बन पीएचसी को वैक्सीन सेंटर बनाया है। यहां 3 एएनएम की ड्यूटी लगाई गई है। शनिवार को यूएनडीटी संस्था के वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजर रविंद्र शर्मा ने सेंटर का निरीक्षण किया था, जिसकी रिपोर्ट सोमवार को सौंपी गई। आरोप है कि एएनएम ने वैक्सीनेशन के नाम पर न केवल लोगों को गुमराह किया बल्कि उनकी जिंदगी खतरे में डाल दी है। एएनएम ने सिरिंज में वायरस से दवा भरी सुई को शरीर में इंजेक्ट भी किया, लेकिन दवा को शरीर में इंजेक्ट किए बगैर ही सुई को बाहर निकाल लिया, फिर सुई को अलग किया और दवा भरी सिरिंज डस्टबिन में डाल दी। बता दें कि यहां 18 से 45 वर्ष आयु तक के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा था। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।